ममता राज में बंगाल में हिंदुओं के साथ पाकिस्तान जैसा सलूक क्यों? ममता राज में मुहर्रम मनाया जाता है, दशहरा क्यों नहीं? जी हां, इस बार भी ममता ने बंगाल में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान माता दुर्गा के विसर्जन पर रोक लगा दी है। पिछले साल भी ममता ने ऐसा ही किया था। तब हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ममता सरकार को फटकार लगाया था। पिछले साल भी इसी तरह ममता सरकार ने मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध जारी किया था, जिस वजह से बंगाल के लोगों को विजयदशमी मुहर्रम से एक दिन पहले मनाना पड़ा। क्या ममता के लिए सेक्युलर का मतलब यही है कि किसी एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों की आस्था को कुचलना? ये देश धर्म निरपेक्ष है। हमारे संविधान में हर जगह हर समुदाय के लोगों को बराबरी का हक दिया गया, फिर ऐसा क्यों? राज्य या केंद्र में सरकारों का गठन भी तो इसीलिए होता है ताकि वो समय पर नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करा सके। ममता सरकार के पास राज्य पुलिस है। अगर ममता दोनों समुदाय के हित का ख्याल रखती तो केंद्र से मांग कर केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद ले सकती थी। लेकिन जिस तरह ममता हाईकोर्ट के फटकार के बाद लगातार दूसरी बार हिंदुओं की आस्था को नजरअंदाज कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने का प्रयास कर रही है, इससे ममता की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अस्पष्ट रूप से नजर आती है।